जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भगवत गीता की, जय पितृ पक्ष की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष अर्थात श्राद्ध का पावन समय चल रहा है और इन श्राद्ध के दिनों में श्रीमद् भगवत गीता के पाठ सुनने मात्र से पितरों को मोक्ष मिलता है, पितरों की सदगति हो जाती है। किसी भी कारणवश अगर किसी मनुष्य के पितर नीच योनि में पड़े हों तो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ सुनने मात्र से या श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को करने मात्र से उनके पितरों की सदगति हो जाती है, उनको मोक्ष मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें अध्याय को आप द्वादशी के श्राद्ध के दिन अवश्य सुने या इसका पाठ करें, इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और हम सबको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं और साथ में भगवान की कृपा मिलती है। और जब भगवान की कृपा मिलती है तो मनुष्य सब ओर से सुखी हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें अध्याय में भक्ति योग के विषय में भगवान ने बताया है। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय इस प्रकार है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि ध्येय अभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है।
इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित और सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने को भी अभय देने वाला है तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिय है जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है जो ना कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोच करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि के द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आर्ष और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। तो इस प्रकार भक्ति योग नाम के इस श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के विषय में सब कुछ बताया है कि भगवान के भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और भगवान के भक्तों के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय का पाठ सदा करना चाहिए क्योंकि भक्ति योग के इस अध्याय को प्रतिदिन सुनने मात्र से या इस अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने मात्र से श्री कृष्ण भगवान के चरणों में भक्ति होती है। इस अध्याय का पाठ करने से श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति प्राप्त होती है लेकिन श्राद्ध पक्ष के दिनों में विशेष रूप से द्वादशी के श्राद्ध के दिन इस अध्याय का पाठ सुना जाए या इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को सदगति मिलती है पितरों को मोक्ष मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह 12वां अध्याय विशेष रूप से मंगलकारी है। कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि जो सदा सर्वदा प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का ही पाठ सुनते हैं या पाठ करते हैं तो आप भी श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें अध्याय का पाठ अवश्य सुना कीजिए या किया कीजिए। पितरों को मोक्ष मिलेगा हमें भगवान की कृपा मिलेगी और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएंगे। आज के इस जीवन में सभी सुखी होना चाहते हैं लेकिन संसार के दुख सदा हमारे रास्ते में आते रहते हैं लेकिन उपाय भी सुखी होने के भगवान ने बताए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें अध्याय के पाठ से भी विशेष रूप से मनुष्य को सुख शांति आनंद मिलते हैं तो आप भी इस अध्याय का पाठ सदा किया कीजिए या इसको सुना कीजिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।
छोटा सा निवेदन, कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भगवद गीता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।